मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की नैब दरख्वास्त को खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर फैसला दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने समाअत की। इसी पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, कहिएगा क्या रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से? जी सदिया, सुप्रीम कोर्ट में नैब की जानिब से 2019 में दायर की गई मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस ममता बंदियाल की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। दौरान समाअत नैब के वकील रोस्तम पर आए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि जमानत मंसूखी की जो हमारी दायर करदा दरख्वास्त है, हम इसको वापस लेना चाहते हैं। इसकी वजह नैब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताई कि नैब कानून में तब्दीली के बाद मरियम नवाज की जो जमानत की मंसूखी की दरख्वास्त है, उस पर मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती, उस पर मजीद कार्रवाई की जरूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद के ऊपर खारिज की, तो इस मौका पर नैब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा भी की कि इस दरख्वास्त को खारिज करने के बजाय निपटा दिया जाए। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जो रिटर्न ऑर्डर देंगे वो आपको पसंद आएगा। तो यूं ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अब खत्म हो गया है। जी, केस खत्म हो गया है। जहां से अब्बासी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।